हेलो स्टूडेंट वेलकम टू फिजिक्स फोनिक्स माय नेम इज़ प्रदीप यादव तो लास्ट के वीडियो में हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था अगर आपको चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को को देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो टर्म है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे भी हमारे सिलेबस के अंदर जो यूनिट आएंगी डुअल नेचर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर भी बार बार आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर भी यूज होगी तो आपको समझना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है ठीक है तो अब देखिए हमें पता है कि एवरी जो ऑब्जेक्ट है प्रत्येक जो बॉडी है वो एटम से मिलकर बनी हुई है ठीक है चाहे कोई आयरन की रोड हो चाहे कॉपर की रोड हो चाहे आयरन की कोई बोल हो कुछ भी हो एनी वो सभी एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम के अंदर तीन मेन पार्टिकल होते हैं स्पोज कर लेते हैं हम ये एक एटम बना लेते हैं और यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए हम स्पोज कर लेते हैं कि ये एटम लेते हैं हम किसका सोडियम का एटम लेते हैं और इसके अंदर तीन चीज़ें मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड क्या होता है प्रोटॉन्स और थर्ड क्या होता है न्यूट्रॉन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हो आप एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ठीक है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवोल्व करते हैं किसके अराउंड रिवोल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस 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 के अराउंड क्या करते हैं? रिवोल करते हैं हैं तो अब देखिए पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन का समझेंगे तो पहले एक एटम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं अब देखिए सोडियम का एटम है ठीक है अब यहां हमें पता है सोडियम का अटोमिक नंबर कितना होता है इलेवन होता है तो सोडियम के अंदर इलेवन ही इलेक्ट्रॉन है और इलेवन ही क्या है प्रोटोन है हमें यह भी पता है कि प्रत्येक जो एलिमेंट का एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये रिवोल्व करेंगे इनकी सेल्स होती है तो आपको पता है सेल्स के एल एम एन ओ पी ये आपको पता है तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे एट इलेक्ट्रॉन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट ठीक है तो अब टोटल कितने हो गए ये टू प्लस एट टेन हो गए बचा कितना वन इलेक्ट्रॉन वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा ये अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए इस जो मोस्ट सेल के अंदर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान से समझना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा ध्यान से समझिए अगर यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा अब देखिए थोड़ा इसको इस लॉजिक को अच्छे तरीके से समझिए न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज ठीक है तो यहाँ एक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अब देखिए जो पहली सैल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड है ज्यादा फोर्स से बाउंड है किसके थ्रू न्यूक्लियस के थ्रू किसके कंपैरिजन में सेकंड सेल के कंपैरिजन में जो दूसरी सेल है उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े लेस टाइटली बाउंड है है किसके कंपैरिजन में जो कोर वाली है, पहली सेल है के सेल उसके बाद जो आउटर मोस्ट सेल है जिसके अंदर आउटर मोस्ट ये इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इन दोनों के कंपेरिजन में और भी कम टाइटली बाउंड है ठीक है तो हम इस एटम को थोड़ा ध्यान से समझिए आप इस चीज को इस एटम को किसी भी मेथड से हम एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है तो क्या होगा एनर्जी एब्जोर्व करेंगे इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जोर्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी एब्जोर्व करेंगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम को एस्केप कर जाएगा बाहर निकल जाएगा और एटम क्या बन जाएगा पॉजिटिव आयंस बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा इस चीज को हमने कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है ऐसे किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अब देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास रोड है या ब्लॉक है किसका सोडियम का, का ब्लॉक है ठीक है एन ए रोड ठीक है सोडियम की क्या है रोड है या ब्लॉक है कोई टुकड़ा है तो अब देखिए थोड़ा लॉजिकली समझिए ये जो ब्लॉक है ये सोडियम के एटम से बना हुआ है ठीक है अब उन एटम को धीरे धीरे एनर्जी मिली किस तरीके से एनर्जी मिली हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कितना है 300 हंड्रेड तो ये काफी ज्यादा होता है इसकी वजह से इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई एनर्जी जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री और एटम क्या बन जाएगा आयन बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन एटम आयंस बन जाएगा तो ऐसे बहुत सारे तो आयंस बन जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर आप समझ चुके हैं बहुत सारे आयंस बन जाएंगे और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है अब देखिए इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं अब क्या होता है इन फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी प्रॉपर्टी इनके साथ कुछ फैक्ट जुड़े हुए होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं इस सोडियम ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और इनका मोशन रेंडमली होता है रेंडमली मतलब इस डायरेक्शन में भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और ये ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी मुंह कर सकता है इनको फ्री है ये समझ पा रहे हैं ब्लॉक के अंदर बट ब्लॉक के सरफेस को छोड़कर क्या नहीं जा सकता नहीं जा सकता है जो ये आयंस है ना पॉजिटिव आयन्स है जिन जो बने हुए हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के निकलने से इन्होंने ऐसा पोटेंशियल सेटअप कर रखा है सरफेस पर ताकि इलेक्ट्रॉन एस्केप ना कर सके ये बात आपको थोड़ी नहीं समझ में आई तो हम अपोजिट चार्ज का कॉन्सेप्ट लेते हैं जैसे ही अब देखिए ये जो रोड है वो इलेक्ट्रिकली क्या है न्यूट्रल है क्यों न्यूट्रल है कि भाई कंप्लीट एटम इसके अंदर है ठीक है मतलब ऐसा थोड़ी ना है जब एटम ही न्यूट्रल है तो एटम से बनी हुई ये रोड भी क्या होगी न्यूट्रल होगी ठीक है अब एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है एस्केप कर गया बाहर निकल गया यहां आ गया तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ये रोड इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा समझ पा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैसे है नेगेटिवली चार्ज है आपको पता है तो अब क्या होगा अट्रैक्शन ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को वापस खींच लेगा ठीक है समझ पा रहे हैं इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते अपने आप से इट्स सेल्फ हाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो इनको बाहर निकाल सकता है पोटेंशियल वगैरह इनको बाहर निकाल सकती है हम एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पोटेंशियल लगाएंगे ठीक है और उसके थ्रू ये इस रोड से क्या निकल सकते हैं हम बाहर निकल सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं समझ पा रहे हैं इनको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जनरली ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं मेटल्स में और रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल होती हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको एनर्जी चाहिए किसी भी प्रोसेस से तो टेम्परेचर इनको एनर्जी दे रहा है वो सफिशियंट जिसकी वजह से ये एटम को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं स्केप हो रहे हैं सरफेस को छोड़कर नहीं मेटल के सरफेस को छोड़कर नहीं जा सकते हैं मेटम मेटल के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं ठीक है ठेके? ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ए बॉडी गेट चार्ज एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है तो देखिए आप यहां हम कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाएगी वो चीज तो देखिए यहां पर हेडिंग लगाते हैं हाउ ए बॉडी चार्ज एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है या कैसे होती है एक बॉडी चार्ज हमें पता है कि एवरी एटम एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अभी बातें की थी प्रत्येक एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है ये आपको पता है बच्चों तो अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी एक एटम कंसिडर कर लेते हैं ठीक है कोई भी एटम स्पोज कर लेते हैं हम कॉपर ले लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29 तो उसी तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर ये कोपर का न्यूक्लियस ये पहली सेल टू इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद कितने एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद कितने एटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टूल्व उसके बाद थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन ज़्यादा डेंसर हो गई चलो कोई बात नहीं हमें समझ नहीं आई एटीन मतलब पहले में दो इलेक्ट्रॉन हैं दूसरे में कितने हैं एट तीसरे में एटीन एटीन ही है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन हरे कितने हो गए एटीन है या नहीं चलो जितने भी हैं एटीन ठीक है उसके बाद कितने हो गए टोटल टू प्लस एट टेन प्लस एटीन कितने हो गए टू प्लस एट प्लस एटीन ट्वेंटी एट अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ये यह, आउटर मोस्ट सेल के अंदर आ गया ठीक है अब देखिए यहाँ पर ये यह एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्यों है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अब सोचिए थोड़ा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो क्या इसके पास चार्ज नहीं है चार्ज है इट हैज कंटेन चार्ज कंटेन चार्जेस ये चार्जेस को तो कंटेन करता है बट चार्जेस आर बैलेंस्ड चार्जेज हैं वो कैसे हैं बैलेंस्ड हैं मतलब बैलेंस्ड कैसे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है इक्वल अमाउंट में होता है और अपोजिट होता है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन को हम टूगेदर साथ लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं न्यूट्रल बना देते हैं ठीक है तो यहाँ ट्वेंटी नाइन ही इलेक्ट्रॉन है और ट्वेंटी नाइन ही क्या है प्रोटोन है ठीक है इस वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब इस पर नेट चार्ज है वो कितना है जीरो है चार्ज तो कंटेन करता है ठीक है अब हम सपोज कर लेते हैं कॉपर की रोड ले लेते हैं ठीक है कोपर की रोड जो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है बहुत सारे एटम ये बहुत सारे एटम स्पोज कर लेते हैं कोपर की रोड है ये हमारे पास सी यू रोड सिंबल लिखा है मैंने कोपर रोड ठीक है अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए एक प्रोसेस समझिए अगर हम किसी तरीके से इस एटम को चार्ज कर पाए इस एटम को चार्ज कर पाए तो वही फिनोमिना इस रोड पर हम अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए मैं इस एटम को क्या करना चाहता हूँ पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहता हूँ इस पर तो थोड़ा सोचिए यहाँ पर हम इसमें चार्ज तो पहले से ही प्रेजेंट है बट वो चार्ज कैसे है बैलेंस्ड है तो अब हमें बस केवल एक काम करना है कि चार्ज को अनबैलेंस्ड कर देना है तो मैं इस एटम पर कैसा चार्ज लेके आना चाहता हूं पॉजिटिव चार्ज आप रफली इस चीज को समझिए तो क्या करना पड़ेगा आप यहां पर मेरे को 29 क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं और 29 ही क्या है प्रोटॉन्स हैं दोनों बराबर ही है ठीक है तो क्या करूं मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए या तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं सपोज कर लेते हैं मैंने यहां से फाइव निकाल लिए कंसिडर ठीक है फाइव इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो बचे कितने ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स यहां बच गए और प्रोटोन कितने हैं ट्वेंटी नाइन तो मतलब 24 इलेक्ट्रॉन, 24 प्रोटॉन प्रोटोन के चार्ज को क्या कर देंगे बैलेंस तो एक्स्ट्रा कितने बचे पांच तो प्रोटोन कैसा चार्ज आ जाएगा फाइव यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कैसा चार्ज आ जाएगा फाइव यूनिट पॉजिटिव तो यहां यूनिट का मतलब क्या है वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइट रेज टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम यह आपको पता है एलिमेंट्री चार्ज ठीक है आप देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए एक प्रोसेस तो यह है कि मैं इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल लू मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूं ठीक है दूसरा प्रोसेस किसी बच्चे ने ऐसे सोचा सर ऐसे भी तो हो सकता है आप कहीं से प्रोटोन लेके आओ कहीं से प्रोटोन लेके आओ और पांच प्रोटोन इसमें एड कर दो थोड़ा ध्यान से समझिए फाइव प्रोटोन इस एटम को दे देते हैं आप ठीक है आपको पता है इट इज इंपॉसिबल ठीक है बट आप कंसिडर कीजिए आप कॉन्सेप्चुअली कुछ हम समझेंगे आपको लर्न रहेगा यह बात हमेशा इसको पांच प्रोटोन सर दे दें हम, ठीक है? तब भी 29 तो इलेक्ट्रॉन होंगे और 34 क्या हो जाएंगे प्रोटोन तो 29 29 प्रोटॉन प्रोटोन को क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे फिर कितना चार्ज आ जाएगा फाइव यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मतलब किस, किस के ट्रांसफर से यह बन सकता है पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन या तो प्रोटॉन को ट्रांसफर करो या इलेक्ट्रॉन को समझ पा रहे हैं आप अब ट्रांसफर इससे बाहर निकाल सकते हैं इसको दे सकते हैं ऐसा ही नेगेटिव चार्ज प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन इसको दे दे ठीक है प्रोटॉन इसे निकाल ले तो नेगेटिवली चार्ज ऐसा ही प्रोसेस हम सपोज कर लेते हैं समझ पा रहे हैं ठीक है तो देखिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन को निकालना ट्रांसफर करना बहुत इजी प्रोसेस है किसके मुकाबले में प्रोटोन के मुकाबले में आप इसको थोटिकली भी सोच सकते हो प्रोटोन है वो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटोन है वो नेचर के सबसे स्ट्रॉगेस्ट फोर्स से बाउंड है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसको ओवरकम करने के लिए बहुत 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 लार्ज एनर्जी चाहिए हमें जो कि क्या है इम्पोसिबल है समझ पा रहे हैं आप तो चार्ज किसी चार्ज किसी बॉडी को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का क्या कर दें ट्रांसफर मतलब क्या हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं दे सकते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर हम स्पोज कर लेते हैं दो बॉडी है हमारे पास ये बॉडी ए ले लेते हैं और ये दूसरी बॉडी क्या स्पोज कर लेते हैं बी स्पोज कर लेते हैं ठीक है अब देखिए थोड़ा समझिए यहां से ए से किसी भी प्रोसेस के थ्रू किसी प्रोसेस के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसमें बी में, में. ठीक है तो पहले ए और बी इलेक्ट्रिकली क्या थे न्यूट्रल थे अब ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर हो गए तो बी में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई मतलब ज्यादा अमाउंट में हो गई ठीक है तो ये बी है वो कैसे चार्ज हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और ए में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई डेफिशियंसी और प्रोटोन क्या हो गए ज्यादा बी न्यूट्रल था तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटोन क्या थे पहले बराबर थे अब आपने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए तो प्रोटोन क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ठीक है लूज करेगा लॉस करेगा जहां से इलेक्ट्रॉन ठीक है उस पर तो कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज और जहां गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वहां क्या आएगा नेगेटिव चार्ज ये कब है ये पॉसिबल जब दोनों बॉडी किसी प्रोसेस से पहले इलेक्ट्रिकली क्या थी न्यूट्रल मान लेते हैं हमने कोई प्रोसेस लगाया हीट से के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन निकाले तो पहले ये ए और बी दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी अब इस प्रोसेस के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ चले गए तो बी कैसा चार्ज गेन कर लेगी नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगी और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो नेगेटिव बना लेगी और लूज किया है लॉस हुआ है जहां से वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी ठीक है इस बात को ध्यान रखिए पहले प्रोसेस से पहले दोनों क्या थी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ठीक है अब क्या यहां कुछ मास का भी ट्रांसफर हुआ है तो देखिए यहाँ बेसिकली हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी वन की हमें पता है कि मास ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गए हैं कुछ भी इलेक्ट्रॉन टेन इलेक्ट्रॉन या फाइव इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कुछ तो मास लेके गए होंगे तो इस बॉडी ने मास क्या कर लिया थोड़ा गेन कर लिया और इस बॉडी का मास क्या हो गया थोड़ा कम हो गया ठीक है चार्ज होने के बाद इस मोड बॉडी का मास थोड़ा सा क्या हो गया बढ़ गया स्लाइटली चाहे वो नेग्लिजिबल हो इसका मास थोड़ा सा क्या हो गया डिक्रीज हो गया ठीक है अब देखिए थोड़ा एक चीज और ध्यान दीजिए यहां पर अगर बॉडी पहले से ही चार्ज हो और हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें तो क्या होगा तो अब देखिए यहां पर एक एग्जाम को, को समझने की कोशिश कीजिए हम वही दो बॉडी लेते हैं ये बॉडी ए और ये बॉडी बी ठीक है इट इज रफली एग्जाम्पल है ये कोई ठीक है इस पे पहले प्लस थ्री यूनिट चार्ज है ठीक है बॉडी ए पर और इस पर प्लस टेन यूनिट चार्ज है ठीक है अब किसी प्रोसेस के थ्रू किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेते हैं कहां से ए से बी की तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू इट इज ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ ठीक है आपको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज अब देखिए यहां पर ए से बी की तरफ ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ लॉस हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुए गेन तो अब आप समझिए स्पोज कर लेते हैं यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन गए कितने टू इलेक्ट्रॉन तो अब देखिए यहाँ टू इलेक्ट्रॉन गए तो पहले से यहाँ थ्री यूनिट चार्ज है दो इलेक्ट्रॉन और कम हो गए तो टोटल तो चार्ज यहां पर कितना बन जाएगा फाइव यूनिट ठीक है अब देखिए यहां टू इलेक्ट्रॉन गए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए इसको न्यूट्रल करने के लिए टेन टू चले गए तो कितने की कमी है यहाँ पर दस की और अभी आए कितने हैं टू तो कितने की कमी बचेगी एट की तो इस पर कितना चार्ज रह जाएगा प्लस एट चार्ज तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी क्या है प्लस चार्ज इवन बॉडी बी ने क्या किया है इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और इसने क्या किया है लूज किया है आप समझ पा रहे हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं तो बस आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है आपको ये चीज ठीक है अब देखिए मैथड ऑफ चार्जिंग ठीक है आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तब किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं मेथड्स क्या हैं उसके तो देखिए बहुत इजी है ये पूरा टॉपिक है वो थ्योटिकल है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये मेथड ऑफ चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग देखिए आप तो जो फास्ट मेथड है वो है हमारे पास बाय रबिंग या फ्रिक्शन मतलब या तो हम रब करके चार्ज कर सकते हैं या फ्रिक्शन दोनों एक ही बात है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं दो बॉडी है हमारे पास ए ठीक है ए और दूसरी है बी दोनों कांटेक्ट में है यह ये यहाँ पर कांटेक्ट में बी कॉन्टैक्ट अब देखिए यहाँ पर दो कोई भी इंसुलेटिंग बॉडीज हैं ठीक है ठेके? अब हम बाद में देखेंगे कि मैंने इंसुलेटर क्यों कहा है यहां पर कंडक्टर क्यों नहीं बोला है थोड़ा सा हम वहाँ पर इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे देखिए यहाँ पर ये दो बॉडी हैं ए और बी ठीक है वो एक दूसरे पर ऐसे रखी हुई है तो आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है कि कोई भी सरफेस है वो एकदम प्लेन या स्मूद नहीं हो सकता है ठीक है सभी में इेगुलरिटीज़ होती हैं अब इरेगुलरिटीज जब ऐसे सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती हैं समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है फ्रिक्शन अब हम इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं कुछ वर्क करते हैं कुछ वर्क करते हैं तो वो वर्क किस में बदल जाता है हीट में बदल जाता है डैट मीन्स यहाँ सरफेस पर क्या आ जाएगी एनर्जी एनर्जी आ जाएगी अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए ए है ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको किसने बाउंड कर रखा है ए के न्यूक्लियस ने एटम बहुत सारे एटम होंगे में, ठीक है और जो ए के इलेक्ट्रॉन है ए के न्यूक्लियस ने उनको क्या कर रखा है बाउंड कर रखा है स्पोज कर लेते हैं ए के न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों को लेस टाइटली बाउंड कर रखा है किसके कंपैरिजन में बी के कंपैरिजन में जब एनर्जी जनरेट होगी तो ए और बी दोनों के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी बट ए के इलेक्ट्रॉन थोड़े से लेस टाइटली बाउंड है तो जैसे ही ए के इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट एनर्जी मिल जाएगी वो वहां से सेल को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल को छोड़कर क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और यहाँ सरफेस पर आएगा अब बी का जो न्यूक्लियस है बी जो एटम के न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लेंगे वो होल्ड कर लेंगे उसको टाइटली तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं ए से बी की तरफ ठीक है ए से बी की तरफ ठीक है तो इस प्रोसेस के बाद ए तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और बी क्या हो जाएगी नेगेटिव चार्ज और प्रोसेस कौन सा है फ्रिक्शन का इसी तरीके से हमने चार्ज किया अब एक टर्म देखिए यहां पर द मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी to required to remove to remove an electron from surface from a surface known as work function मतलब किसी भी एक सरफेस से ठीक है वो मिनिमम एनर्जी किसी भी एक सरफेस से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो जितनी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी हमें चाहिए उस सरफेस का क्या कहलाती है वर्क फंक्शन अब ध्यान से समझिए ए के इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड है तो ए का वर्क फंक्शन क्या होगा लोअर वर्क फंक्शन लोअर वर्क फंक्शन ठीक है वर्क फंक्शन ए का क्या होगा लो होगा ठीक है। बी के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टाइटली बाउंड है तो मतलब बी का वर्क फंक्शन क्या है हाई आर वर्क फंक्शन या हाई वर्क फंक्शन ठीक है हाई वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां हो रहे हैं लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन इस बात को ध्यान रखिए लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ठीक है अब देखते हैं हमने बोला था इंसुलेटर तो आपने जैसे कि हमने चार्ज जब स्टार्ट किया था तो वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ उन दोनों को हम रब करते हैं तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता जा है जा और सिल्क क्लॉथ पर क्या आ जा जाता है नेगेटिव चार्ज तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किस पे चले गए सिल्क क्लॉथ पे इसी वजह से ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज देखिए अब ध्यान से अब अगर इनकी जगह मैं ग्लास रोड की जगह कोई मेटलिक रोड यूज करता हूं आप थोड़ा रफली समझिए इस चीज को कॉपर रोड यूज करता हूं और उसी सिल्क क्लॉथ से ऐसे रब करता हूं ठीक है इवन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो सकता है होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप चीज को समझिए इस बात को बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर में भी कॉपर से सिल्क क्लोथ की, की तरफ या सिल्क क्लोथ से कॉपर की तरफ किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सपोज कर लेते हैं कॉपर की रोड की तरफ होगा तो कॉपर में क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन याद करो इससे पहले हमने पढ़ा था मेटल है कॉपर और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो चार्ज क्या कर जाएगा फ्लो कर जाएगा फिर किस में जाएगा आपके हैंड में और आपके हैंड से बॉडी में और बॉडी किससे टच होगी ग्राउंड से उसमें चला जाएगा या अगर स्लाइटली चार्ज है तो बॉडी में जाके क्या हो जाएगा डिजअपियर हो जाएगा आप समझ पा रहे हैं इसी वजह से मेटल्स को कंडक्टर्स को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करना थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट है ठीक है इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन के थ्रू बाय रबिंग के थ्रू किसको चार्ज किया जा सकता है इंसुलेटर को यहाँ भी मास का क्या डेट मीन्स लॉस होगा बिल्कुल होगा ए है वो मास को क्या करेगी लूज करेगी कम करेगी और बी क्या है मास को क्या करेगी गेन करेगी ठीक है ये हो गए हमारे पास रबिंग प्रोसेस या फ्रिक्शन प्रोसेस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम बाय कंडक्शन बहुत छोटा सा प्रोसेस है और ध्यान से समझना है आपको सेकंड प्रोसेस है हमारे पास बाय कंडक्शन बहुत इजी प्रोसेस है क्या करते हैं इसमें हम किसी को भी चार्ज करते हैं थोड़ा ध्यान से समझिए आप अच्छे तरीके से किसी चीज को एक को चार्ज करते हैं मान लेते हैं हैं सपोज कर लेते हैं कि मेटलिक स्फीयर है और वो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे ऐसे रखा हुआ है इसको चार्ज करना है तो हम एक ग्लास रोड लेके आते हैं हाईली पॉजिटिवली ग्लास रोड और इसके डायरेक्ट टच करते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं टच करते हैं इसको ठीक है तो यहां से पॉजिटिव चार्ज ठीक है किस पे चला जाएगा इस मेटेलिक स्फीयर में चला जाएगा और कब तक जाता रहेगा कुछ को क्या कर लेगा अटेन कर लेगा तो इस प्रोसेस में जब हम इस ग्लास रोड को रिमूव कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सरफेस पर आ जाएगा यहां पर इस मेटेलिक सरफेस पर आ जाएगा समझ पा रहे हैं आप इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए ये सपोज कर लेते हैं वो मेटेलिक स्फीयर है और ये वो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है तो चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है ये पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्ट इससे हम टच करते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर चला जाता है फिर हम इसको रिमूव कर लेते हैं हटा लेते हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज किस पे स्प्रेड हो जाता है इसके सरफेस पे इस बात को ध्यान रखिए किसी भी मेटल को अगर आप चार्ज देते हो तो उसके सरफेस पर रिसाइड कर जाता है जैसे कि अगर ये मेटलिक रोड होगी और मैं इसको चार्ज दूंगा चाहे पॉजिटिव नेगेटिव तो इसके अंदर ना रहके वो इसके सरफेस पर आ जाता है ठीक है अगर यही ये बोल इंसुलेटर होती ठीक है इंसुलेटर होती मान लेते हैं स्पोज कर लेते प्लास्टिक की बोल या कोई इंसुलेटिंग बोल होती तो क्या होता ज कर लेते हैं अब ये बोल इंसुलेटर है तो अब देखिए यहां से ये पॉजिटिवली ग्लास रोड हम लेके आते और यहां इसको टच करते तो जो पार्ट थोड़ा सा जो हम टच करते वहां वहां पॉजिटिव चार्ज आता बाकी जो बोल है वो क्या हो जाती न्यूट्रल आप समझ पा रहे हैं कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी इंसुलेटर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज वहीं एग्जिस्ट करेगा और एक किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या कर जाएगा सरफेस पर आ जाएगा फ्लो करने की कोशिश करेगा ठीक है ये मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन अब थर्ड मेथड देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन तो आपने यहां ध्यान दिया होगा कि यहां ग्लास रोड का जो चार्ज है वो कम हो रहा है अरे भाई वही चार्ज ही तो मेटल पे जा रहा था कोई नया चार्ज थोड़ी ना क्रिएट हो रहा था तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस बाय इंडक्शन देखिए अब यहां पर बाय इंडक्शन ठीक है तो देखिए यहां पर इंडक्शन एक प्रोसेस होता है और आ, काफी इजी है तो किसी मतलब एक अनचार्ज बॉडी को हम किसी एक चार्ज बॉडी की हेल्प से चार्ज कर ले बट क्या कैसे चार्ज करें विदाउट टचिंग जैसे इससे पहले मेथड में हमने बोल को ऐसे टच किया था अभी विदाउट टचिंग इसके कॉन्टैक्ट में लेके जाएंगे बस ठीक है अगर आपको यह प्रोसेस थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो यह प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस टचिंग प्रोसेस नहीं होता है जैसे कि आप किसी को नोट्स लिखने के लिए बोलते हैं ठीक है जैसे कि एक टीचर है स्टूडेंट को कुछ वर्क करने के लिए बोलता है तो टीचर केवल इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट अपने आप से अपने नोट्स राइट कर लेता है टीचर स्टूडेंट के हैंड्स को पकड़ के ऐसे नोट्स नहीं लिखवाता है तो यह कुछ ऐसा प्रोसेस मान लीजिए ये इंडक्शन टाइप है तो देखिए अब ध्यान से इस प्रोसेस के अंदर हम एक मेटेलिक स्फीयर लेंगे ठीक है मेटेलिक स्फीयर अनचार्ज और उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे दूसरे स्टेप में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड लेके आएंगे एक पॉजिटिवली चार्ज ये ग्लास रोड है पॉजिटिवली चार्ज है ये ठीक है इस मेटेलिक स्फीयर के अभी मैंने कहा था कि ये टच नहीं करेगा ठीक है तो होगा क्या यहां इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होने लग जाएगा अट्रैक्ट होने लग जाएगा ठीक है और पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाएगा इस पॉजिटिव गिलास रोड से क्या होने लग जाएगा रिपेल होने लग जाएगा इस बात का ध्यान रखना सारा नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता और सारा पॉजिटिव चार्ज रिपेल नहीं होगा ठीक है इक्विलिब्रियम पोजिशन में पहुंच जाएंगे उसके बाद हम क्या करते हैं ये नेगेटिव चार्ज बाउंड हो गया पकड़ दिया इसको किसने इस पॉजिटिव गिलास रोड ने और ये पॉजिटिव चार्ज है यहां सरफेस पर आ गया ये बाहर भागना चाहता है क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है बट पाथ नहीं है इसके पास कोई भी पाथ नहीं है आगे तो हम क्या करते हैं हम गिलास रोड को ऐसे ही रहने देते हैं इस गिलास रोड को ये पॉजिटिवली गिलास रोड और ये हमारे पास स्फीयर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटिंग स्टैंड तो अब हम क्या यहां पर कर देते हैं अर्थिंग या आप बोल दो ग्राउंडिंग ठीक है अब देखिए अर्थिंग ग्राउंडिंग क्या होती है अर्थ है वो एक बहुत बड़ा समुन्द्र है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का और उसका पोटेंशियल जीरो होता है मतलब उससे हम इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं दे सकते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल होना है ठीक है न्यूट्रल होना है या आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज भागना चाहते हैं तो इस वायर के थ्रू कहां चला जाए चले जाएंगे अर्थ के अंदर ऐसा आप दूसरे तरीके से जो एकदम फैक्ट है यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे और इस पोर्सन को क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज ठीक है तीसरे प्रोसेस में तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे ग्लास रोड को अभी भी नहीं हटाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में ग्लास रोड को अभी भी नहीं हटाएंगे हम वरना ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा आप समझ पा रहे हैं अब देखिए यहां पर ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और इस अर्थिंग को हम हटा देते हैं ठीक है आर्थिंग को रिमूव कर दिया अगले स्टेप में ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में ग्लास रोड को हटा देंगे और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये पूरे सरफेस पर मेटलिक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिसाइड कर जाएगा और इस तरीके से ये बॉडी क्या हो जाएगी चार्ज अब सोचने वाली बात यहां पर ये है क्या ग्लास रोड का चार्ज कम हुआ नहीं कंडक्शन के मेथड में ग्लास रोड पे चार्ज कुछ क्या हो रहा था कम इंडक्शन में क्या कॉन्टैक्ट हुआ डायरेक्ट टचिंग हुई नहीं तो इस प्रोसेस से किसी भी ऐसे प्रोसेस से किसी भी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना क्या होता है इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन ठीक है तो अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं क्या हम बगैर अर्थिंग एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो देखते हैं हमने अर्थिंग या ग्राउंडिंग यूज की है तो क्या बगैर अर्थिंग हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ दो मेटेलिक फेयर लेंगे और वो दो मेटेलिक फेयर सपोज कर लिए ए और बी वो दोनों कॉन्टेक्ट में है एक दूसरे से और दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं ठीक है अगले स्टेप में एक ग्लास रोड लेके आएंगे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड आप कोई भी रोड यूज कर सकते हो बुनाइड रोड वगैरह कुछ भी ठीक है तो अब क्या होगा गिलास रोड लेके आएंगे पॉजिटिवली चार्ज गिलास रोड तो देखिए क्या होगा यहाँ पर ये ए और ये क्या बी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए हैं तब तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट में है मतलब पाथ बन रहा है ए और बी के बीच कोई पाथ बन रहा है तो बी से भी और ए से भी इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होने लग जाएंगे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे और कितने आएंगे इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच जाएंगे ये ठीक है और पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होने लग जाएगा यहाँ से इस सरफेस पे आ जाएगा ठीक है सारा का सारा नहीं आ सकता है क्योंकि जब कंप्लीट आने की कोशिश करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो रहे हैं या कलेक्ट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे तो एक एकबिर कंडीशन तक ये चार्ज नेगेटिव चार्ज इस तरफ आता रहेगा और पॉजिटिव उस तरफ चला जाए ठीक है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ भी नहीं करना है बस इस ग्लास रोड को रिमूव नहीं करना है ग्लास रोड को अगर आपने रिमूव कर दिया तो फिर से ये क्या हो जाएंगे अनचार्ज इनको स्लाइटली हल्का सा सेपरेट कर लेंगे ए को और बी को थोड़ी सी डिस्टेंस पर क्या कर लेंगे हम सेपरेट तो अभी भी नेगेटिव चार्ज बाउंड है किसके थ्रू ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज के, के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज यहां पर बाउंड है ठीक है अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा है ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज से तो देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज ठीक है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे ग्लास रोड को रिमूव कर लेंगे इस गिलास रोड को क्या कर लेंगे रिमूव ये ए और ये हमारे पास क्या हो गया बी जैसे ही इस गिलास रोड को हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो क्या होगा अब ये जो नेगेटिव चार्ज बाउंडेड था पकड़ रखा था इसको किसने इस गिलास रोड के पॉजिटिव चार्ज ने ये फ्री हो गया और ये रिपल्सन फेल्ट कर रहा था किससे इस पॉजिटिव चार्ज से ठीक है तो अब ये क्या होने लग जाएंगे एक दूसरे की तरफ क्या होने लग जाएंगे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे ऐसे आ जाएंगे अब इनको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बहुत वाइल्ड डिस्टेंस पे इतनी डिस्टेंस पे हम इनको सेपरेट कर देंगे ताकि ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना रहे बिल्कुल भी ठीक है तो यहां जो नेगेटिव चार्ज है वो मेटेलिक स्फीयर होने की वजह से पूरे सरफेस पर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिसाइड कर जाएगा और यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस पूरे मेटेलिक स्फीयर पर क्या कर जाएगा रिसाइड कर जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा फैल जाएगा ए और ये बी तो आप इस तरीके से भी हमने क्या यहां पर अर्थिंग या ग्राउंडिंग यूज की एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऑपडेन कर सकते हो और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ऑपडेन कर सकते हो ठीक है अब देखिए इंडक्शन और भी जगह होता है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे कि बचपन में ऐसे कुछ मैजिक वाले खेल खेले होंगे कि गिलास का स्केल या जो प्लास्टिक स्केल है उसको हेयर में ऐसे रब किया होगा और स्मॉल पीसी जो पेपर ऐसे अट्रैक्ट किए होंगे तो वो पेपर क्यों अट्रैक्ट होते हैं तो देखिए आप वहाँ पर भी इंडक्शन काम करता है सपोज कर लेते हैं ये पेपर का पीस है अरे इतना भारी नहीं होता है पेपर का पीस ठीक है अब देखिए यहाँ पर ग्लास या आप प्लास्टिक का जो स्केल आप यूज़ करते हैं उसको आपने हेयर में रब किया उस पर चार्ज आ गया ठीक है सपोज कर लेते हैं गिलास का है वो चार्ज आ गया उस पर पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ इसके कॉन्टैक्ट में ऐसे टच नहीं करते हैं इसके नज़दीक लेके आते हैं तो पेपर जो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल मतलब उसमें चार्ज तो है बट बैलेंस्ड है तो उसके नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव क्या करने लग जाएगा अट्रैक्ट तो ऊपर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पेपर के पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रोड का या स्केल का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा रिपेल करेगा तो नीचे वाले सरफेस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो अब यहाँ दो फोर्स एक साथ काम करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन लगेगा नीचे कैसा है पॉजिटिव रोड पर क्या है पॉजिटिव रिपल्सन लगेगा तो पेपर अट्रैक्ट क्यों होता है या अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है बट बेटा देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच की डिस्टेंस कम है और इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है ज्यादा और आपको पता है ये डिस्टेंस पर भी क्या करता है डिपेंड करता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में स्ट्रोंग लगेगा फोर्स और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या करेगा वीक लगेगा ठीक है इसीलिए पेपर क्या हो जाता है अट्रैक्ट हो जाता है फिर भी आपको थोड़ा सा इंडक्शन नहीं समझ में आया तो आप आ, अपने घर पर एक एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपको उससे फील हो जाएगा कि वास्तव में इंडक्शन होता है ठीक है देखिए आप घर पर टैप होती है सभी के घर पर टैप आप टैप लीजिए ये किस टाइप की टैप है ये पता नहीं अब देखिए इसमें से पानी ऐसे फ्लो कर रहा है सपोज कर लेते हैं पानी की अमाउंट कितने होने चाहिए मतलब एकदम से पूरी टैप ओपन नहीं करनी है इतनी कि जैसे कि बूंद बूंद पानी गिरता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा जैसे कि एक लेयर बन जाए वाटर की ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए और प्लास्टिक का स्केल लीजिए और उसको अपने हेयर में या किसी भी क्लोथ से उसको रब कीजिए ठीक है हमें पता है ग्रेविटी के हिसाब से ये एकदम स्ट्रेट नीचे गिरनी चाहिए अब उस स्केल को यहाँ इसके पास लेके आइए तो आप देखेंगे कि ये जो वाटर की लेयर है ये उस स्केल की तरफ या उस ग्लास रोड की तरफ आप जो भी आपने चार्ज कर रखा है उसकी तरफ क्या होने लग जाएगी अट्रैक्ट होने लग जाएगी इस ग्लास रोड या पॉजिटिव रोड की तरफ ठीक है क्यों हो रही है इंडक्शन के थ्रू ठीक है देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट है हमने चार्ज तो पढ़ लिया एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है तो अब हम पता कैसे लगा सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लेव्स इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लेव्स इलेक्ट्रोस्कोप बहुत इजी है डिफिकल्ट नहीं है आपको इजीली से समझ में आ जाएगा ये ठीक है देखिए अब यहां पर गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप देखिए ये क्या होता है एक जनरली मेटल की रोड होती है और उसके नीचे यहाँ पर गोल्ड की लीव्स लीव्स मतलब पत्तियाँ बहुत पतली पतली गोल्ड ही क्यों क्योंकि गोल्ड का पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है वो बहुत कम होता है मतलब गोल्ड की जो पत्तियाँ हैं वो सबसे हल्की होती है बहुत कम मास होता है उनका तो ये स्लाइटली भी स्लाइटली इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको फेल्ट कर सकती है यही लोहे की पत्तियाँ होती हैं आयरन की तो हल्का फुल्का फोर्स है उसको फेल्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है अब ये इतनी हल्की है एयर भी इनको डिस्टर्ब करेगी तो एयर डिस्टर्ब ना करे इसके लिए यहाँ एक इंसुलेटर लगा के कोर्क वगैरह लगा के इसको एक ट्रांसपेरेंट जार के अंदर क्या कर दिया हमने क्लोज कर दिया ट्रांसपेरेंट जार के अंदर ताकि ये पत्तियाँ हमें दिखाई देती रही ट्रांसपेरेंट जार के अंदर क्या कर दिया क्लोज कर दिया ऊपर एक मेटेलिक डिक्स लगा दी यहां मेटेलिक डिक्स इस रोड से आप देखते हैं आप एक ग्लास रोड को सिल्क क्लोथ से रब करके चार्ज कर लीजिए ठीक है इसके मेटेलिक डिक्स ये मेटल डिस्क है डिस्क ठीक है इसको टच कीजिए उस गिलास रोड से ऐसे ये टच किया आपने कुछ इस तरीके से ध्यान से समझिए ऐसे टच किया क्या होगा पॉजिटिव जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डिस्क के थ्रू इस रोड के थ्रू किन पर जाएगा गोल्ड लीव्स पर अब दोनों लीव्स पर जाएगा तो दोनों लीव्स में पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो ये पत्तियां क्या हो जाएंगी स्प्रेड हो जाएंगी एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे ऐसे स्प्रेड हो जाएंगी हमें पता चल जाएगा कि यहां ये रोड चार्जड है ठीक है तभी तो ये रिपल्सन महसूस कर रही है ये लीव्स ठीक है अब इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पॉजिटिव होगा तभी रिपल्सन आपको पता है चाहे ये पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा इससे कि जो हम रोड लेके के आए हैं उस पर चार्ज है नेगेटिव है या पॉजिटिव है नहीं पता अभी हमें ठीक है इसको भी हम थोड़ा पता कर सकते हैं देखिए आप अच्छे तरीके से समझिए इस चीज को मैं यही समझा देता हूं यार अब सपोज कर लेते हैं इस इलेक्ट्रोस्कोप पर पहले से ही इस इलेक्ट्रोस्कोप पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से ये जो लीव्स हैं ये कुछ ऐसे स्प्रेड है ठीक है इस पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज ऑबडेंट है अब देखिए या

और जो ये लीव्स हैं ये कोलैप्स सुकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी समझ पा रहे हैं जो ऐसे एकदम फैली हुई थी वो अब क्या होने लग जाएंगी? ऐसे सुकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, समझ पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से तो हमें पता चल गया कैसे कि इलेक्ट्रोस्कोप पर पहले पॉजिटिव चार्ज था इन लीव्स पर अब एक रोड आई और ये फैलने की बजाय स्कूडना स्टार्ट हो गई कोलैप्स हो, हो गई है तो इसका मतलब जो ये रोड है अपोजिट अपोजिट चार्ज चार्ज है किसके चार्ज है किसके इलेक्ट्रोस्कोप के तो अपोजिट कैसा होगा नेगेटिव अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये और ज्यादा फैल जाए तो तो क्या होगा तो देखिए आप समझिए इस चीज को अगर ये और ज्यादा फैल जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको और भी ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस हुआ पहले ये इतनी फैली हुई थी अब रोड को आपने टच किया तो और ज्यादा फैल गई है आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब जो रोड आपने जो टच की है ना यहाँ पर जो ऐसे रोड ये रोड जो आप फाइंड आउट करना चाहते थे चार्ज वो हाईली पॉजिटिव है हाईली पॉजिटिव होने की वजह से इस पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज था उसकी वजह से ये स्प्रेड हो रखी थी और ज्यादा चार्ज मिला तो और ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन और ये ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गई स्प्रेड हो गई तो इसी के साथ ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है ये कंप्लीट होता है इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कोई बॉडी चार्ज है या किसी ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज है या कितनी अमाउंट है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट नहीं कर सकते अप्रोक्सीमेट किस पे ज़्यादा अमाउंट है किस पे कम अमाउंट है तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाम स्लाह और उसके वेक्टर फॉर्म को एक बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए थैंक यू